और आपके साथ मैं हूं अनुजा। आज हम बात करेंगे बिहार के राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बारे में। जी हां, लालू प्रसाद एक बार फिर राजनीति में एंट्री कर चुके हैं और 41 महीनों बाद वो वर्चुअली बैठक कर रहे थे अपने नेताओं के साथ, राजद के कई नेताओं के साथ वर्चुअली मीटिंग की और जिसमें कई मुद्दों पर उन्होंने अपनी बात रखी। लेकिन इन सब चीज़ों में एक चीज़ जो है वो काफ़ी डरावनी थी कि जब लालू प्रसाद यादव वर्चुअली नेताओं से बात कर रहे थे उसी वक्त उनका जो है वो ऑक्सीजन लेवल डाउन हो गया, जिस वजह से वो जो है वो वर्चुअली मीटिंग में कम से कम 3 से 4 मिनट ही एक्टिव रह पाए। उसके बाद उनका ऑक्सीजन लेवल जो है वो घट गया और वो जो है आगे मीटिंग नहीं कर पाए। आपको बता दें, चारा घोटाले में सजा याफ्ता लालू प्रसाद यादव पिछले कई महीनों से जेल में रह रहे थे और वहां पे तबीयत खराब होने की वजह से उन्हें रांची के रिम्स अस्पताल में भर्ती किया गया था, लेकिन तबीयत ज़्यादा बिगड़ने के कारण उन्हें रिम्स से दिल्ली के एम्स में शिफ्ट किया गया था जहाँ पे उनका इलाज चल रहा था। आपको बता दें, लालू प्रसाद यादव को डायबिटीज है और उनका जो किडनी है वो भी 25% ही काम कर रहा है और देखा जा सकता है कि उनको जमानत भी शायद इन्हीं कारणों से मिली। उन पे जो है चारा घोटाले मामले में जो है वो चल रहा था, केस दर्ज हुआ था जिनमें उनको सज़ा मिली थी, लेकिन उनकी जो तबीयत खराब रहने के वजह से कहीं ना कहीं उनको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट से ज़मानत मिली। और अब उसके बाद जब जमानत उन्हें सुप्रीम कोर्ट से मिल गई, उसके बाद उनके परिवार वालों ने ये निर्णय किया था कि लालू प्रसाद यादव को अभी घर पे नहीं लाया जाएगा, उनको अस्पताल में ही रखा जाएगा। लेकिन जब जमानत उन्हें मिल गई, जेल से छुट्टी मिल गई, उसके बाद उनके परिवार वालों ने हॉस्पिटल में ना रहकर एम्स में ना रखकर घर पे बुला लिया और उसके बाद लालू प्रसाद जो है वो 41 महीनों बाद फिर से राजद पार्टी ज्वाइन कर लिए, जिसके बाद उनकी पहली मीटिंग जो है वो रविवार को थी और उस वर्चुअल मीटिंग में वो उस दौरान सिर्फ 3 मिनट ही एक्टिव रहे। उसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई और वो ज़्यादा नेताओं लोगों से इंटरेक्ट नहीं कर पाए। देखिए कि इस बैठक में जो 3 मिनट की जो बातचीत हुई और तेजस्वी यादव ने जो क्या क्या प्लान किया है इस मीटिंग के दौरान, सारी बातें उन्होंने रखी है, देखिए इस रिपोर्ट में। बिहार की राजनीति में 41 महीने बाद राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव एक बार फिर से एक्टिव हो गए हैं। कोरोना वायरस के बीच राजद अध्यक्ष ने रविवार को अपनी पार्टी के नेताओं की वर्चुअल संवाद किया है, सभी के एक एक करके अपनी राय और सुझाव लालू को दिए। बैठक के दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने लालू के खराब स्वास्थ्य और उनका ऑक्सीजन लेवल गिरने की जानकारी दी। वहीं लालू प्रसाद ने 2-3 मिनट की ही पार्टी नेताओं को संबोधित किया। उन्होंने पार्टी विधायकों का आह्वान किया कि यह बहुत मुश्किल वक्त है, बड़ी संख्या में लोगों की जान जा रही है, ऐसे में लगातार अपने क्षेत्र में सक्रिय रहें और लोगों की मदद करें। राजद जिला स्तर पर सहायता केंद्र भी खोलेगा। वहीं तेजस्वी बोले, ठीक नहीं है ऑक्सीजन लेवल। वर्चुअल संवाद की शुरुआत में नेता प्रतिपक्ष और लालू के छोटे बेटे तेजस्वी यादव ने कहा कि लालू जी की तबीयत ठीक नहीं है, वे बीमार हैं और उनका ऑक्सीजन लेवल 85 के आसपास है, ऐसे में वे ज़्यादा देर तक नहीं बोल पाएंगे। वहीं गरीबों को लालू रसोई से मिलेगा भोजन। राजद की वर्चुअल बैठक में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव द्वारा कोरोना महामारी पर काबू पाने के लिए सजग रहने अपील पार्टी नेताओं से की गई। वहीं वर्चुअल मीटिंग में भाग लेने के बाद शेखपुरा विधायक विजय सम्राट ने बताया कि सरकार सोई हुई है, अस्पताल में नियमित डॉक्टरों का अभाव है। उन्होंने बताया कि गरीब लोगों को कोरोना काल में अब लालू रसोई के माध्यम से भोजन
उपलब्ध कराया जाएगा। जनप्रतिनिधियों को जमीन पर उतरकर काम करने की जरूरत है। वहीं कार्यकर्ताओं से आह्वान किया है कि कोरोना काल में जहां तक हो सके लोगों को हर संभव सहायता करें। राजनीति करने के लिए नहीं मिली है जमानत। लालू यादव की इस बैठक को लेकर जेडीयू ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। जेडीयू प्रवक्ता निखिल मंडल ने मीडिया से कहा है कि लालू यादव को जो करना है करे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर उन्हें हाईकोर्ट ने राजनीति करने के लिए जमानत नहीं दी है। उन्होंने कहा है कि बिहार में जनता ट्वीट और सोशल मीडिया के जरिए राजनीति करने वालों पर तवज्जो नहीं देती है। वहीं आपको बता दें, लालू प्रसाद यादव इन दिनों अपने ट्विटर अकाउंट पे काफ़ी एक्टिव हैं। लालू यादव ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर कहा था कि बिहार की पूरी स्वास्थ्य सेवा जो को सेना को सौंप देना चाहिए। पटना हाईकोर्ट महामारी में भी नीतीश सरकार गंभीर और मानवीय नहीं है। भौं भौं और हुआ हुआ कर जंगल राज चिल्लाने वाले कहाँ दुबके हैं। वहीं मालूम हो कि बिहार में कोरोना के बढ़ते प्रभाव के बीच राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में कोरोना मामले की सुनवाई के दौरान राज्य में लॉकडाउन लगाने के लिए निर्णय की जानकारी दी। सरकार की तरफ से जस्टिन सीएम सिंह की खंडपीठ को बताया गया कि राज्य में 5 मई से लेकर 15 मई तक लॉकडाउन लगाने का निर्णय लिया गया। हालांकि इस दौरान कोर्ट ने राज्य सरकार के कोरोना से निपटने में असफल होने पर गहरी नाराजगी जताई है, जिस पर लालू प्रसाद यादव जो हैं वो हमलावर नजर आए और नीतीश सरकार पर जो है वो कटाक्ष करते दिखे अपने ट्विटर हैंडल से। वहीं आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव के जेल से छूटने के बाद लालू प्रसाद यादव जो है अब वो घर पे हैं और वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव दिख रहे हैं सोशल मीडिया पर। आए दिन वो पोस्ट करते रहते हैं। आपको पता होगा कि जब वो जेल में थे उस वक्त भी वो काफ़ी एक्टिव रहे थे और अस्पताल में थे उस वक्त भी काफ़ी एक्टिव रहे थे, लेकिन अब जो है वो राजनीति में लालू प्रसाद की फिर से एंट्री हो चुकी है और लालू प्रसाद जो है वो वर्चुअल मीटिंग कर रहे हैं, जिस दौरान वो राजद के नेताओं और विधायकों के साथ बातचीत कर रहे हैं और जिसमें वो अपनी राय रख रहे हैं। आपको बता दें, इसी को देखते हुए लालू प्रसाद यादव पर आरजेडी नेता ने कटाक्ष किया है और कहा है कि लालू प्रसाद यादव को जेल से जमानत राजनीति में आने के लिए नहीं मिली है, बल्कि उनके स्वास्थ्य को खराब होने के कारण उनको जेल से छुट्टी मिली है। वहीं विपक्ष ने तंज कसते हुए कहा है कि लालू यादव जेल से छूटने के साथ ही काफ़ी राजनीति में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव दिख रहे हैं, लेकिन जब वो जेल में थे उस वक्त उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब थी, लेकिन जेल से छूटने के बाद अचानक उनकी तबीयत जो है वो ठीक हो गई और अब वो है वो राजनीति में फिर से एंट्री कर लिए हैं। वहीं और कई नेताओं ने इस पर सवाल खड़े किए हैं कि जब लालू प्रसाद यादव जेल में थे तो उनकी तबीयत हमेशा बिगड़ती रहती थी और हमेशा ख़राब रहती थी, लेकिन अब जब लालू प्रसाद यादव जेल से बाहर आ गए हैं तो उनकी तबीयत अचानक से कैसे ठीक हो गई और वो राजनीति में फिर से इतने सक्रिय कैसे हो गए, जिस पर विपक्ष ने कई सवाल खड़े किए हैं और निशाना साधा है। इस 3 मिनट की वर्चुअल मीटिंग में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने इस कोरोना काल में सभी को स्वस्थ रहने के लिए कहा है। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN 9 News के साथ।